कहते हैं जरूरत पड़ने पर गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है, मगर आजकल हर घर में बाप को ही गधे बना दिया जाता है। जी हाँ, बुजुर्गों को घर में काम करने वाली बाइयों और कूड़ा उठाने वाले भाइयों से भी कम सम्मान दिया जाता है। क्या किड्डी समागम समारोह में किया जाता है सास का उपास, वही शाम को जाम के साथ उड़ाया जाता है बूढ़े बाप का मजाक। और जब यही बूढ़ा बाप रात को तरसा खांस दे तो पूरे घर में उजाला आ जाता है कि ये बूढ़ा तो हमें चैन से जीने भी नहीं देता। मगर किसी के मन में ये विचार नहीं आता कि पिछले दो हफ्तों से बुजुर्ग की दवा घर पे नहीं आई है। आप जिस औलाद को बुढ़ापे की लाठी कहते हैं उसी लाठी से बुजुर्गों पर प्रहार होता है, कभी मानसिक तौर पर तो कभी शारीरिक तौर पर। और उनमें से कुछ तो ये भी सोचते हैं कि हमारे माँ बाप जल्दी से टपक क्यों नहीं जाते, और अगर गलती से एक से ज्यादा औलाद हो तो सांझा बाप गले में लटके मरे हुए सांप की तरह माना जाता है, जिसे जिसे एक दूसरे की ओर बस फेंकते रहते हैं, है ना। जहाँ श्याम सुंदर श्री कृष्ण टीवी सीरियलों में कभी सामने नहीं दिखाए जाते, जहाँ सास बहू के झगड़े में हमेशा सास ही गलत होती है, जहाँ नायक हमेशा जवान और खलनायक बुढ़ापा ही होता है, वहाँ बुजुर्ग लोगों के लिए जगह ही क्या है वृद्ध आश्रम के अलावा। भाई मेरी मानो, ऐसा करो ये ना अपने घर को छोड़ दो और वृद्ध आश्रम आ जाओ। वृद्ध आश्रम ही एक ऐसी जगह है जहाँ वृद्ध लोग अपने जीवन को नया अस्तित्व दे सकते हैं, अपने अस्तित्व को नई पहचान दे सकते हैं, अपने पहचान को नई उड़ा दे सकते हैं। हाँ जी, अपने नालायक बच्चों को ना कुछ दो ही मत, बल्कि प्यारे नाना नानियों, न्यारे दादा दादियों, लिव लाइफ किंग साइज़।